बेरोजगारों की बड़ी लंबी कतार लग गई है, सारा यूथ यहाँ का बेकार है, तो उसके पास दो ही विकल्प बचे हैं, या तो बुंदेलखंड राज्य बनाए, अन्यथा या बंदूक उठाए या भीख का कटोरा हाथ में उठाए। तो दो विकल्पों को उसे चुनना है, उसमें से जो विकल्प युवा को पसंद आएगा, जो सरकार को पसंद हो, अगर सरकार बुंदेलखंड बनाती है तो युवा यहाँ के विकास में लग जाएगा, और बुंदेलखंड नहीं बनाती है तो सरकार या कटोरा युवा या कटोरा पकड़ेगा या बंदूक उठाएगा। हम लोगों ने आज असलाह पूजन किया है, और वो असलाह पूजन इसलिए किया है कि हम केंद्र सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम गांधीवादी हैं, हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर सुना ही नहीं जाएगा तो हाथ में भीख का कटोरा और आगे चल के बीहड़ हमारी नसीब में अगर लिखा है तो क्यों ना हम अभी से ही अस्त्र शस्त्र उठा लें। तो आज जो हम लोगों ने पूजन किया है, ये एक चेतावनी है केंद्र सरकार के लिए कि हमको भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की राह पर मत ले जाइए,